हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम डेली कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं जे आई बी सी आई बी के। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोग और बढ़िया डिस्कशन कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोग जुड़े होंगे और आप आगे और सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम ये सिर्फ टॉपिक्स पढ़ रहे थे, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, द टर्म बैंक इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट? ये चार एक्ट पूछे हुए थे आपको। छोटा सा क्वेश्चन है कि टर्म जो बैंक हम बोलते हैं या बैंकिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, तो वो कहाँ डिफाइंड की गई है? तो वो डिफाइन करी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, RRB आर लाइसेंस्ड फॉर बैंकिंग अंडर विच एक्ट? आपको पता है रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, वो किसी सब्सिडरी के थ्रू या फिर कोई उनको स्पॉन्सर बैंक, उस तरह से होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, इनमें डिफाइंड है। तो उनको लाइसेंस कौन देता है? मेनली बैंकिंग लाइसेंस तो देगा RBI, लेकिन वो किस एक्ट के अंदर आएंगे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लोन्स गिवन बाय RBI टू स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज या गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी लिक्विडिटी इज कॉल्ड एज। मतलब जो RBI थोड़े टाइम के लिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन्स देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेज एंड मीन्स एडवांसेस, यहाँ पे लिख लीजिए एडवांसेस, इसका नाम ही यही है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके देखिए, ब्रोकरेज पेड टू एजेंट्स फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय बैंकिंग कंपनी डैश परसेंटेज वैल्यू ऑफ शेयर। मान लो किसी बैंकिंग कंपनी SBI है, उसने अपने शेयर्स बेचने हैं, तो वो कितनी ब्रोकरेज दे सकती है एजेंट्स को या कमीशन एजेंट्स जो होते हैं उनको? तो दैट इज 2.5% वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। जो वैल्यू शेयर की होगी उससे 2.5% तक दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ट्रेजरी बिल के टाइप्स कितने होते हैं। ये है तीन टाइप्स के, T81, इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया ना तीन तरह के, तो ये ध्यान रखेंगे। ये 81, 182, ये क्या है? डेज है, इस तरह के होते हैं, इतने दिन का, इतने दिन का। जैसे आपकी FD होती है ना, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, तो ऐसे ही ट्रेजरी बिल्स होते हैं आपके। टी बिल्स को बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ बैंक शुड हैव स्पेशलाइज नॉलेज? स्पेशलाइज नॉलेज बोलते हैं कि जैसे मान लो आप डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर MBBS करते हैं, फिर आगे MD कर सकते हैं, तो MD वो किसी एक स्पेशल फील्ड में करते हैं। स्पेशल फील्ड इन द सेंस, जैसे कोई गायनेक में करेगा, कोई ऑर्थोपेडिक में करेगा, तो इस तरह। तो जो डायरेक्टर्स हैं बैंक्स के, 51% ऐसे होने चाहिए जिनको कि स्पेशलाइज नॉलेज, स्पेशल नॉलेज इन द टर्म्स ऑफ बैंकिंग हो या इकोनॉमिक्स हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ये जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है ये बार बार आते रहेंगे, तो एक ये टर्म भी आई थी एक बार, NCLT, उसके चार ऑप्शन थे, तो मैंने सही वाला लिखा, वही देखना है हमें, क्योंकि गलत वाला भी पढ़ेंगे तो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे वहाँ जाके। तो NCLT बेसिकली है क्या? NCLT क्या है कि एक ट्राइब्यूनल बना दिए गए, जहाँ जैसे कंपनी है बोलती कि मैं दिवालिया हो गई, तो उनके खिलाफ जितने भी केसेस लगेंगे वो सब NCLT में लगेंगे, तो उसे बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। कंपनी दिवालिया होती है तो फिर क्या कर देते हैं, एक लिक्विडेटर बिठा देते हैं, वो जो भी पैसा, वो पहले एस्टिमेट करेगा कि कितना पैसा उसने लोगों का देना है और कितना कंपनी को एसेट्स बेस के मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अंडर सेक्शन 25 ऑफ द बैंकिंग एक्ट, तो इस एक्ट के अंडर बेसिकली क्या आता है? असेट्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी आती है, ठीक है। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें बहुत सारी सेक्शंस हैं, तो वो आपने सारे तो पढ़ नहीं सकते हैं, जो जो क्वेश्चन पुराने में आए होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, तो वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्या होगा कि वही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि LC इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट, ये किसके, UCPDC जो है इसके अंदर आता है, और यही जो है इसके रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉरफिटर इज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन, ये चार ऑप्शन है आपके पास, आपने टिक करना है। फॉरफिटर क्या होता है? इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर इसका आंसर है, तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में एक तरह का मीडिएटर होता है, तो वो फॉरफिटर कहलाता है।